मैथ्स में क्या किया था ना? क्या क्या क्वालिफिकेशन है? किस सब्जेक्ट में? हिंदी इंग्लिश। पढ़ाता क्या है? कोचिंग मैथ। दिनांक 5 तारीख में शाम को एक एक्सीडेंट की सूचना मिली थी जिसमें एक महिला मृत हुई थी। उस एक्सीडेंट के बाद जब उसका पीएम आया तो उस पीएम में जो कारण दिखाया गया था वो हत्या का दर्शाया गया था, जिससे उस एक्सीडेंट की पूरी थ्योरी पे पुलिस को संदेह हुआ। फिर इसकी जांच के लिए इंस्पेक्टर कोतवाली और स्वाट और सर्विलेंस की टीम को लगाया गया। इन लोगों ने अथक प्रयास करके इस पूरी घटना का सफल अनावरण किया है। जो मृतिका थी, जो इसमें तथ्य संज्ञान में आए थे, वो इस प्रकार है कि मृतिका ने करीब 3-4 साल पहले एक करंडा क्षेत्र का आशु और आशुतोष दुबे नाम का लड़का है जिसके साथ उसकी शादी हुई थी। उसके बाद उस आशुतोष दुबे की फिर एक घर वालों की सहमति से भी एक शादी हुई, जिसके कारण वो परिवार में विक्टन रहता था, इसके साथ यहाँ रहता था। जब इसने इसके जो शादी उसने परिवार की मर्जी से की थी, जब उसकी परिजनों को मालूम पड़ा तो उन्होंने भी उसके खिलाफ मुकदमा लिखा दिया था। कुल मिला के वो इस समय इस दुविधा में था कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। करीब जो अब संज्ञान में आया है दौरान तफ्तीश, करीब 1 साल से वो छुटकारा पाने की कोशिश कर रहा था। विभिन्न लोगों से उसने संपर्क किया, उसी उसमें उसने अपने इन दो साथियों से, जिसमें एक लड्डू जो शातिर अपराधी है, HSB है करंडा क्षेत्र का, उसी गांव का सलारपुर का रहने वाला है जहां पे युवती का तथा कथित पति आशुतोष दुबे वहीं का रहने वाला है, और उसी गांव का एक और उसका साथी था राकेश, जो यहीं शहर में रह के कोचिंग इत्यादि का काम करता है। इन्होंने एक साजिश के तहत उस महिला की हत्या की तथा इसे एक्सीडेंट का रूप देने का प्रयास किया। जब दौरान तफ्तीश इनसे ये पूछा गया कि भाई एक्सीडेंट दिखाने का क्यों प्रयास किया, तो ये तथ्य संज्ञान में आए हैं कि इस मृतिका का 30 लाख का बीमा था जो एक्सीडेंट में मिल सकता था। तो एक पंथ दो काज वाली थ्योरी पे शातिर दिमाग उसका चल रहा था, जो इसका पति और ये आज जो दोनों अपराधी पकड़े गए हैं, कि इसे भी रास्ते से हटा दिया जाए, एक्सीडेंट का रूप दे दिया जाए और उसके बीमे की राशि भी हड़प ली जाए।